दे रहा है दुरुस्त है। तो ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं मीरा रोड, मीरा रोड जाने का कारण है बहुत ही बड़ा, जिसका इम्पैक्ट इस राइड पे हुआ है मेरे रोड। और मीरा रोड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से मुझे कलेक्ट करना है अपना सैडल बैग। जी हाँ, सैडल बैग। अब आप लोग बोल रहे हैं कि मीरा रोड से सैडल बैग ले रहा है बंदा, रहता है अंधेरी में जा रहा है मीरा रोड। तो मीरा रोड जाने का मेन कारण यही है कि वहाँ पे है अपना जो बूमरैक का डस्टैक का फैक्ट्री, और मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री से अपना बैग कलेक्ट करने। क्यों बैग फैक्ट्री से बैग कलेक्ट कर रहा हूँ, शोरूम से क्यों नहीं, तो सीन कुछ इस तरीके से है कि गाइस, मैंने अनाउंस किया था कि मैं बहुत जल्दी राइड करने वाला हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी और राइड्स आएगी और राइड पे राइड्स होंगे, और राइड के लिए मैंने शुरुआत तो कर दी थी। और उससे पहले मैं ये जो बात आपको बताऊं, उससे पहले मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहता हूं। तो गाइस, हुआ कुछ इस तरीके से था कि मेरी जो राइड थी वो थी 4 से 5 दिनों की राइड, जो कि मैंने प्लान किया था कि मैं लिख लूँगा यहाँ से अपने घर से मुंबई से, और सबसे पहले मैं जाऊँगा शिरडी दर्शन करने बाबा का, जो कि शिरडी के साईं बाबा है, उनकी दर्शन करूँगा क्योंकि नया साल आ रहा है, तो उनको उसके लिए दर्शन करना था और उनको मतलब थैंक्स बोलना था कि उन्होंने इतने बड़े मुसीबत से हम सभी को सेफ रखा, मुझे मेरे परिवार को सेफ रखा, तो उसके लिए मुझे उनको थैंक्स करना था। तो मैंने डिसाइड करा कि सबसे पहला जो मैं यहाँ से जाऊँगा शिरडी, शिरडी के बाद मेरी राइड थी त्र्यंबकेश्वर की, जो कि नियर में ही है। त्र्यंबकेश्वर के बाद मैं जाने वाला था वनी, वो भी वहीं है, नासिक में ही है। वनी के बाद मैं जाने वाला था भीमा शंकर थ्रू पूना रोड होते हुए, और फिर लोनावला करते करते ऐसा 3-4 दिन का मेरा ट्रिप था। उसी में पूना के आगे महाबलेश्वर का भी ट्रिप था। मतलब टोटल मैंने 6-7 डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए थे, और मैंने प्लान किया था कि इसके लिए मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग ही जाएंगे। तो उस 3 से 4 दिन के लिए राइड के लिए मैंने ये सारे चीज़ खर्चे किए थे, क्योंकि मेरी आगे भी फ्यूचर में बड़ी बड़ी राइड होगी, तो उस हिसाब से मैंने ये सारा मॉडिफिकेशन करवाया। और फिर लगेज के लिए मैंने सैडल बैग और टॉप रैक, जो कि परचेज किया था हाल ही में राइड बीच शुरू होने के 2 दिन पहले। तो साथ ही साथ में अगर आप टॉप बॉक्स भी मैंने खरीदा था, और मेरे पास टैंक बैग ऑलरेडी था, तो मेरा ऑलरेडी लगेज सिस्टम पूरा कंप्लीट था। सिर्फ मुझे लगेज बांध के निकलना था राइड के लिए। और ये जो सारा चीज़, ये मैंने जो मॉडिफिकेशन करवाया है गाड़ी पे, ये जो क्रैश गार्ड और सैडल स्टे टॉप रैक, ये सारा चीज़ मैंने SGT कस्टम से करवाया, जो कि जूम है। आपको ऑनलाइन उनका एड्रेस मिल जाएगा अगर आप उनके साइट पर जाओगे तो, ठीक है। और ये उनके पास से करवाया। साथ ही जो लगेज सिस्टम है मेरा जो खरीदा था, वो मैंने खरीदा था व्रूम स्टोर, जो कि नवी मुंबई में है नेरुल। और हम निकल गए थे राइड के लिए संडे के दिन, लास्ट संडे। पर जब हम लोग, जी हाँ, तो जब हम लोग निकल गए तो शुरुआत वहीं से हुई। मतलब मेरे किस्मत में नहीं लिखा था वो राइड करना, और वो राइड मेरी हो गई कैंसिल। तो कैंसिल होने का जो कारण था वो इस तरीके से था कि जब मैंने राइड की शुरुआत की, तो शुरू में सबसे पहला जो मेरा नुकसान हुआ वो था मेरा जो माउंटिंग था, मोबाइल माउंट। अच्छा हुआ मैंने उस समय अपने मोबाइल माउंट पे कैमरा नहीं अटैच किया हुआ था, तो वो मेरा मोबाइल माउंट टूट गया घर से निकलने से पहले ही, जो कि उस समय मतलब सिर्फ हमको बैग ऑलरेडी पैक हो गए थे, सब कुछ तेज से बाइक पे लग भी गए थे सामान, और सिर्फ निकलना था। तो उस सिचुएशन में मेरे पास एक्स्ट्रा माउंटिंग नहीं थी और मैं उसको लगा नहीं पाता, तो भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम राइड करते, क्योंकि मेरे पास अपना गोरिल्ला पॉड था, मैं बोला कि उसी से थोड़ा बहुत शूट करूँगा और अपनी वीडियोस बना लूँगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। फिर थोड़ा जैसे निकल रहे थे घर से, तो हेलमेट छूट गया, जो मेरे पिलियन थे मेरे पीछे बैठे थे उनका हेलमेट छूट गया। हमने सोचा कि चलो फिर भी मैनेज हो जाएगा राइड करते। फिर मैंने उनको एक मंकी कैप दिया कि मतलब ये मंकी कैप लगा दो ताकि आपको ठंड ना लगे। तो जब मेरी बाइक 80-100 पे थी तो वो मंकी कैप उड़ गया,
फिर भी हमने कोई बात नहीं, हमने कहा कि चलो राइड शुरू करते, कोई बात नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी इन दौरान, राइड के राइड चालू था और ये सारी चीज़ें हैपन हो रही थी, ये सारा चीज चल रहा था। फिर भी मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं चलते, कुछ नहीं, पार्ट ऑफ द लाइफ में लॉस होता रहता है। पर मेजर लॉस हुआ कब, जब मैं पहुंचा कसारा घाट। जी हाँ, मैंने राइड शुरू कर दी थी मुंबई से और ऑलमोस्ट हम 6 बजे घर से निकल चुके थे, और निकलने के बाद हमने पहुंच गए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे में। मैं ऑलमोस्ट सुबह के 9 साढ़े 9 के आसपास में मतलब आराम से निकले, हमने कोई घाई नहीं किया, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब इतना लॉस हुआ तो कोई ना कोई आराम से चला जाए, कोई घाई करने की हमको ज़रूरत नहीं है। और मैं निकल गया कसारा घाट की तरफ कि कसारा घाट जाते हैं, वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। मैं निकल गया राइड के लिए, पर जब हम वहाँ पे ब्रेक लिए, मतलब टी ब्रेक बोल सकते हैं, मॉर्निंग का टी ब्रेक, क्योंकि घर से इतना सुबह कुछ खाया पिया नहीं था, हमने बोला कि टी ब्रेक लेते, जाते टी पीते, वहीं पे रुक के थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और फिर आगे की राइड की स्टार्ट करनी है और थोड़ी सी व्लॉगिंग करेंगे। तो पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, जो वहाँ का शॉपकीपर होता है ना, उसने मुझे बोला कि सर आपका बैग शायद जल रहा है। जी हाँ, तो मेरा जो बैग था, जो मेरा नया सैडल बैग था जिसमें मैंने कपड़े अपने रखे थे, सारे नए परचेज किए हुए कपड़े थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे नए के नए कपड़े, वो सारे मेरे बैग स्ट्रैप लूज हो गया कि क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो सारे के सारे कपड़े मेरे जल गए। जी हाँ, सारे कपड़े जल गए, एक कपड़ा नहीं बचा। मैं क्लिप डालूँगा, आप लोग देख लेना, एक कपड़ा नहीं बचा जिसको मैं यूज़ कर सकूं अपने राइड के दौरान। जी हाँ, और मेरे पास मतलब मेरा दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया कि भाई अब ये राइड होगी कैंसिल। और जी हाँ, हमने कर दी राइड को कैंसिल, हमने ले लिया यू टर्न कसारा घाट से और हम आगे रिटर्न, क्योंकि हमारे पास एक भी कपड़े नहीं बचे कि मैं उस वो राइड को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 5 दिन का राइड था और सारे कपड़े जल गए। चलो ठीक है, मेरे तो जल गए, जो मेरे पिलियन के थे उसके भी जल गए। तो उस समय ये मुमकिन नहीं था कि मैं कहीं रुकूं, शॉपिंग करूं, नए कपड़े फिर परचेज करूं, तो मैंने वो कर दिया राइड कैंसिल, क्योंकि शुरू से ही सुबह से ही लॉस पे लॉस हो रहे थे, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। फिर मैंने बोला कि राइड कैंसिल कर दे, कैसे तैसे हमने, एक बंदे ने मुझे बंजी कॉर्ड दिया, एक बंदे ने मुझे मेरे बैग बांधने में थोड़ी सी, मेरा 2 पीस जैसे सैडल बैग होता है ना, एक साइड का तो पूरा जल गया, दूसरे साइड के सैडल बैग में मैंने कपड़े नहीं थे उसमें, सिर्फ चद्दर उद्दर थे, तौलिया वौलिया रखा था ओढ़ने के लिए, मतलब ठंड का मौसम है तो ठंड लगेगी, तो मैंने अपना प्रोटेक्शन लिया हुआ था रात में सोने के लिए, मतलब बेडशीट लिया हुआ था, पर वो भी सब मतलब वो ही एक बच गया, पर कपड़े सारे जल गए, तो उसकी वजह से मुझे करनी पड़ी राइड कैंसिल और वीडियो भी नहीं बन पाया और इतना सारा लॉस हुआ मुझे। फिर उसके बाद मैं आया, 2 दिन तक तो मैंने कैमरे को छुआ तक नहीं, मेरे दिमाग को मैंने शांत कराया, मैं बोला जो होना सा हो चुका और अभी अपने को उठाना वापस से कैमरा और अपनी ये आप जो बीती है ये लोगों को बताना है, ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो आने में क्यों टाइम लगा और एक वीडियो बनाने के पीछे कितना आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो गाइस यही कारण था वीडियो आने में लेट हुआ, और अब फिर मैंने क्या किया कि ये वीडियो बनाना शुरू किया आज से। तो जो मेरा बैग जला हुआ था बूमरेक का सैडल बैग, तो मैंने पता किया, उनके जो सेल्स पर्सन है, शोरूम पर्सन है, उनसे बात किया, उनको ईमेल किया, तो मुझे फैक्ट्री का पता चला कि उनकी जो फैक्ट्री है जहाँ ये बन सकता है या रिपेयर हो सकता है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने जाके उनको अपने बैग दिए, वो भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया वीडियो शूट करने का। तो आज वो बैग रेडी हो चुका है और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपका बैग अब बन चुका है, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, वो बैग मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं जा रहा वही बैग लेने, और उसके बाद वो सैडल बैग मैं अपने बाइक पर लगाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि वो जो लगेज सिस्टम था वो कैसा लग रहा था। तो मैं पहुँच चुका हूँ जो कि डस्ट ट्रैक का गोडाउन है, जहाँ पे डस्ट ट्रैक के बैग बनते, मैं पहुँच चुका हूँ और ये बैग इनको दे देते हैं, मतलब अपना जो बैग इनको दिया हुआ है वो बैग रिपेयर हो चुका है, उसको ले लेते हैं
फिर ये दोनों बैग को किस तरीके से माउंट किया जाता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जो गलती मेरे से हुई वो गलती शायद किसी और से ना हो, जिस वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ। और साथ ही साथ में मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ जो कि मैंने करवाया था अपने बाइक पे बिफोर द राइड स्टार्ट होने से पहले, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, हमारे फ्यूचर राइड में ज़रूर होगा सक्सेसफुल। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया आपके लिए। करते हैं पीछे से। सबसे पहला मॉडिफिकेशन था ये सैडल सैक का, जो सैडल स्टे है ये मैंने लगवाया। इसका कॉस्ट और ये प्लेट का कॉस्ट अप्रॉक्स 6000 तक है। उसके बाद में ये इंजन गार्ड प्रोडक्शन, साथ ही साथ में यहाँ पे हैंडल राइजर और ये मोबाइल होल्डर, इतने का ही कॉस्ट मुझे 11000 पड़ गया। और उसके बाद मैंने ये अलग से ख़रीदा था जो कि एक टॉप बॉक्स है, ये काफ़ी अच्छा टॉप बॉक्स है शैल्ट कंपनी का, जो कि वाटरप्रूफ है और हार्ड मटेरियल है, हार्ड प्लास्टिक है। ये मैंने इनके यहाँ से लिया है ब्रूम, जो कि नवी मुंबई में है नेहरूल के पास, इनसे मैंने परचेस किया था। साथ ही साथ में मैंने ये बूमरैंग का डस्ट सैक का सैडल बैग परचेस किया है, जिसका एक पार्ट जो जल चुका रिपेयर हो चुका उसी को लेने आए हैं। और अभी हम देखिए ऐसा होता है, इसके अंदर का ये जो प्लास्टिक था जिसमें हम बीन्स बोलते हैं, जिसमें हम अपने लगेज रखते हैं, ये भी साथ ही साथ पूरा नुकसान हो चुका था। तो ये इतना सारा नुकसान, तो यही था आज का मुद्दा। और ऑलमोस्ट आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे साथ क्या बीता लास्ट 2 वीक में, कितना लॉस हुआ मेरा, राइड भी नहीं हुई और इतना सारा काम हो गया अपना नुकसान। तो अभी हम चलते ऊपर डस्ट ट्रैक के गोडाउन में और उनसे अपना बैग कलेक्ट करवाते हैं, और मिलते हैं आप लोग से फिर से मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू। बूमरैंग के सैडल बैग लग चुके हैं फिर से, ये वाला सेक्शन रिपेयर होके आ चुका है और अभी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। तो ये कुछ लुक है अपनी बाइक का आफ्टर लगेज इंस्टॉलेशन। तो चलो मिलते हैं रोड पे, आपसे सीधा बात करते, और होप कि जो मिस्टेक हमसे हुई है वो अब दोबारा फ्यूचर में कभी ना हो, और हम इसका केयर करेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, थोड़ा फोकस रहेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है आपकी बाइक में अच्छे तरीके से, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और राइड भी आपकी कैंसिल हो सकती है। मैंने चाबी कहाँ रखी, चलो चलते हैं, यहाँ से नहीं है ये, अपने को लेना है आगे से यू टर्न, तो आगे से यू टर्न लेते हैं। थोड़ा बड़ा यू टर्न है, यहाँ पे 2 टाइप का यू टर्न होता है, तो होप आप लोग को समझ गया होगा कि क्यों मेरी वीडियो आने में इतना समय लगा, क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को झेलना पड़ा और कितना मेरा खर्चा बैठ गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और फ़ायदा किसी चीज़ का नहीं। तो उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में ये सारा चीज़ ना हो। वो कैमरा का भी एंगल सही हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, और मैं अभी हूँ दहीसर चेक नाका पे था, डस्ट सैक का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये काफ़ी ओल्ड कंपनी है जो कि लगेज के सिस्टम बनाती है, बाइकिंग लगेज सिस्टम, ताकि आपकी जो बाइकिंग एक्सपीरियंस हो, लगेज को लेके डिस्टर्ब ना हो, आपकी बाइकिंग से आपकी जो राइड हो इजी तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से कंटिन्यू हो सके। तो बस इसी पे ये वीडियो थी, और सिग्नल खुला हुआ है तो चलो चलते हैं, एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करते हैं। तो गाइस अभी हम करेंगे वीडियो को क्लोज यहीं पे, हम अपने घर के आ चुके काफ़ी करीब, और मैं अब आप लोग को मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग कौन सा व्लॉग होगा वो मुझे भी नहीं पता अभी तक, क्यों नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होगा, राइडिंग व्लॉग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ संडे राइडिंग व्लॉग हो सकता है, संडे को मैं राइड कर सकता हूँ, संडे को राइड मैं करूँगा,
तो मैं डेफिनेटली शायद हमारा जो नेक्स्ट राइड होगा वो संडे राइड ही होगा। तो अगर संडे राइड होता है तो मैं आपको नेक्स्ट संडे राइड पे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है जीवन में। तो सेफ्टी का ध्यान हमेशा देखिए, ध्यान दीजिए, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और अगर आप शौकीन हैं मेरी तरह बाइक चलाने के, तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर कीजिए जब भी आप बाइक चलाइएगा। और अगर आप कार चलाते हो डेली बेसिस पे, तो बिना सीट बेल्ट बांधे गाड़ी मत चलाइएगा, तो सीट बेल्ट हमेशा बांधिएगा, क्योंकि आप अगर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा, और तभी जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अभी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, गुड बाय, बाय बाय यूट्यूब।